दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सबसे बड़ी गलती सिमरन का भागते हुए ट्रेन को पकड़ लेना है, तो आप गलत हैं भैया, क्योंकि इसके अंदर तो इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां हो रखी हैं, जिनका खुलासा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी राज और सिमरन के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही सभी घर वालों को राज और सिमरन के चक्कर का पता चलता है, तो कुलजीत कुर्ते में ही राज को मारने के लिए भागता है। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? ये तो राज के पास ड्रेस चेंज करके आता है। अरे भाई, ये कौन सा गुस्सा है कि पहले कपड़े चेंज करो फिर अपने मंगेतर के आशिक को मारो? जा पूछ क्या। यहाँ होती है राज की एंट्री। राज फुटबॉल पकड़े सभी को गिराते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन एक मिनट भैया, ये क्या है? अरे भाई, इसने तुम लोगों को गिराया है, तुम लोगों के चेहरे पे तो गुस्सा होना चाहिए था ना, लेकिन तुम लोग तो हंस रहे हो। नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई मजाक चल रहा है ना, या फिर फुटबॉल लेकर भागते हुए राज ने तुम्हें कोई चुटकुला सुना कर गया है? नहीं नहीं, बताओ हमें, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या यार सिमरन, तुमने तो अपने पिता की इज्जत खराब कर दी, क्योंकि इनके पिता वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर बताकर लंदन की तारीफ करते हैं, और ये सिमरन मैडम 20 साल से लंदन में रहती हैं, लेकिन आज तक इनको सही से इंग्लिश बोलनी नहीं आई। अरे आप खुद देखिए ना। इससे अच्छी तो इंग्लिश हमारी गली का चाय वाला बोल लेता है। राज सिमरन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस राज के हाथ से फट जाती है। नहीं नहीं, हम तो यहाँ पागल बैठे हैं ना। अरे भाई, कोई इन्हें समझाओ कि जब हम किसी को पीछे से रोकते हैं तो हाथ शोल्डर पर रखते हैं ना, या फिर उसको पीछे से ड्रेस पकड़कर खींच लेते हैं। और चलो भाई, तुमने ड्रेस गलती से खींच ली, लेकिन जब तुमने देखा कि ड्रेस फट गई है, तो उसे छोड़ देना चाहिए था ना। पूरा का पूरा पीस तुमने फाड़ डाला, और ऐसे प्रटेंड कर रहे हो जैसे कि सब गलती से हो गया हो। अरे वाह, क्या बात है भैया। ट्रेन में आते ही बेचारी सिमरन का सूटकेस खुल जाता है, लेकिन उसने अपने एक एक कपड़े को उठाकर बैग में रख लिया। लेकिन एक मिनट, ये राज अपनी पॉकेट में क्या लेकर घूम रहा है, जो उसने निकाल कर सिमरन की हाथों में दे दिया? ये क्या है? क्योंकि हमने अभी क्लियरली देखा है कि यहाँ पर कोई भी कपड़ा सिमरन ने नहीं छोड़ा था, फिर ये कहाँ से आ गया राज भैया? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जरूर ये राज का ही है जो ये अपने साथ लेकर घूमता है, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? इस फिल्म में हवा को सिमरन और उसकी चीजों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। आप खुद देख लीजिए, ये फोटो यहाँ पर रखी है और विंडो भी बंद है, लेकिन जैसे ही फोटो उड़ती है, खिड़की अपने आप खुल जाती है। साथ ही इस फोटो में भी जैसे पहिए लगे हुए हैं, कभी फुदक कर इधर आ जाती है तो कभी फुदक कर उधर चली जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ये फोटो है या फिर पीके का जादुई लॉकेट? ये राज और सिमरन की रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन इस सीन को देखकर तो मुझे हॉरर वाली फीलिंग आ गई थी, क्योंकि जब राज सिमरन को पिचकारी वाला रोज देता है, तो पीछे एक कपल बैठा हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है, तो कपल तो गायब ही हो जाता है। सिमरन ने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन वो एक्टिंग करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है, और फिर वही हुआ जो हर बॉलीवुड फिल्म में होता है। हीरो हीरोइन को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ देता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन ये क्या, सिमरन राज की तरफ आंख मार रही है। रहा नहीं जाता। अरे भाई, इतने सारे लोग हैं आसपास, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। साथ ही उसने आंख भी वही मारा जो कुलदीप की साइड है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। तुम लोग ध्यान रखते हो नहीं, फिर कहते हो हमारी लड़की बिगड़ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई सच कहूँ ना, ये बॉलीवुड वाले ना बस कुछ भी मसाला लगाकर फिल्म बना देते हैं, ना कोई रिसर्च करते हैं, ना कोई जानकारी लेते हैं। हम पे तो आई ना। अब आप इन भाई साहब को ही देखिए, कहते हैं ये लंदन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर। लंदन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर। अच्छा, लेकिन अगर गूगल महाराज की माने तो लंदन दुनिया का 32वां बड़ा शहर है। यार सच बताओ ना, जब से सीन को देखा है ना, तब से मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि आप देखिए कि कैसे राज ने सिमरन के मंगेतर की जान बचाई है। मतलब राज भाई साहब ने गोली चलाते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भाई हो सकता है कि गोली उसकी आंख, नाक, मुंह कहीं पे भी लग सकती थी, और इस बेचारे के तोते भी उड़ सकते थे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन नहीं, राज को क्या है, राज को तो बस हीरो बनना था।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करें।